Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आप देख रहे हैं इस्लामिक 786 टीवी ऑफिशियल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि माँ की शान सबसे अफजल है, जन्नत माँ के कदमों तले है, माँ की कमी कोई नहीं पूरा कर सकता। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती। जब इंसान अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है तो उसका रिस्क रोक दिया जाता है। माँ के जो करीब होते हैं, दुश्मन भी उनके हबीब होते हैं। माँ जिनके पास होती है, वो लोग कहाँ गरीब होते हैं। माँ जिनकी ज़िंदा होती है, वो बहुत खुश नसीब होते हैं। बूढ़े सिन्हा ने कहा, अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की सबसे आला मिसाल तब देखी जब सेब 4 थे और हम 5। तब माँ ने कहा, मुझे सेब पसंद ही नहीं। दोस्तों, अपनी ज़बान की तेज़ी उस माँ पर मत चला जिसने तुम्हें बोलना सिखाया। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ। माँ प्राय फोर्थ। खलीजी मुल्क में एक शादी की तकरीब बड़ी धूमधाम से जारी थी। दुल्हा दुल्हन बड़ी शान और शौकत के साथ स्टेज पर बैठे हुए थे। दुल्हन ने दुल्हा के कान में कहा, अपनी माँ को स्टेज से उतार दो क्योंकि मैं उसे नापसंद करती हूँ। दूल्हा उठा, माइक पकड़ा और 3 दफ़ा ऐलान किया, मुझसे मेरी माँ कौन खरीदेगा, मुझसे मेरी माँ कौन खरीदेगा, मुझसे मेरी माँ कौन खरीदेगा। ऐलान सुन के हाजरीन पर सन्नाटा तारी हो गया। फिर दुल्हा बोला, मैं अपनी माँ को खुद ही खरीदूँगा। उसने शादी की अंगूठी उतार कर फेंक दी और दुल्हन को तलाक दे दी और माँ के कदमों पर बोसा देते हुए कहा, मैंने नफा का सौदा किया है। हाजरीन में से एक आदमी ने खड़े होकर ऐलान किया, मैं इस नौजवान के साथ अपनी बेटी का निकाह करता हूँ। और कहा, इससे बेहतर मेरी बेटी को खामद नहीं मिल सकता। उस नौजवान ने दुनिया भी कमा ली और अपनी जन्नत भी पा ली। दोस्तों, जिनके पास माँ बाप जिंदा हैं, उनकी कदर करें, उनकी खिदमत करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में अपना तजिया ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।